हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइपर कॉन्जुगेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन अल्कीन में, कार्बोकेटायन में और फ्री रेडिकल में अप्लाई हो सकता है। आज हम डिस्कस करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन को हम कैसे यूज करते हैं टू एक्सप्लेन वेरियस इफेक्ट्स। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। Hyperconjugation can be classified in two types, plus H effect and minus H effect. Plus H का मतलब होता है electron donating effect, और minus H का मतलब होता है electron withdrawing effect. तो प्लस एच इज इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड माइनस एच इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉल। ओके, तो इसको अगर समझते हैं हम, तो सबसे अच्छा एप्लीकेशन इसका बेंजीन में देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस एच की। बेंजीन में अगर हम देखें प्लस एच इफेक्ट, अल्काइल ग्रुप हमने बेंजीन से लगाया, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अल्फा कार्बन पर जो भी सिग्मा बॉन्ड होगा ये पाई में कन्वर्ट होगा और पाई लोन पेयर में होगा। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सिग्मा पाई रेजोनेंस, या नो बॉन्ड रेजोनेंस भी हम इसे कहते हैं। तो इससे क्या होगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच बन जाएगी। बेंजीन रिंग विल बिकम इलेक्ट्रॉन रिच। मगर इसका इफेक्ट केवल ऑर्थो पोजिशन पर आएगा, और सब्सिक्वेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब अपन बनाएंगे तो समझ में आएगा कि ये लोन पेयर पैरा पे भी जा रहा है। तो दो ही पोजीशंस हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अफेक्ट होगी, या हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्योंकि प्लस एच लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, मगर कौन सी लोकेशंस पर, ऑर्थो पर और पैरा पर, लेकिन मेटा का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस अल्काइल ग्रुप विल इंक्रीज और एनहेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बट मेटा पोजिशन विल नॉट बी अफेक्टेड बाय हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस एच इफेक्ट। एक बढ़िया क्वेश्चन इस पर बन सकता है, इफ वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन दीज मॉलिक्यूल्स, सो इन द फर्स्ट केस नंबर ऑफ अल्फा एच आर थ्री, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा बना पाएंगे। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर प्रेजेंट होगा H, 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 तो ये बारी बारी से या ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे, जिसमें ये सिग्मा भी पाई में कन्वर्ट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ज्यादा रहेंगे, क्योंकि इसमें अल्फा एच थ्री है, इसमें अल्फा एच है वन और इसमें अल्फा एच जीरो है, और जब जीरो अल्फा एच होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट लगेगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंडक्टिव इफेक्ट से देखते तो इसमें सबसे ज्यादा आता, बट हाइपर कॉन्जुगेशन विच इज ए पावरफुल इफेक्ट कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। यहां अगर हम कंपेयर करते तो मिथाइल के लिए तीन प्लस एच है और प्लस एच इफेक्ट बढ़ जाएगा। ओके, तो वी विल कंपेयर इट ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। एक इंटरेस्टिंग कंपेरिजन है CH3, CD3 और CT3 में किसका प्लस एच ज्यादा होगा, इस बारे में भी हम बात कर चुके हैं पहले जब हमने प्लस आई इफेक्ट डिस्कस किया था। प्लस आई इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है CT3 का, फिर CD3 का और फिर CH3 का, एंड वी एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड लेंथ। सो इफ वी कंपेयर द बॉन्ड लेंथ ऑफ CH, ये क्या होगा, सबसे लॉन्ग बॉन्ड होगा, CD shorter होगा और CT bond will be shortest. So if we compare these three cases, सबसे आसानी से यह bond टूट पाएगा, because जिसमें bond length ज्यादा होगी उसमें bond energy कम होती है। ठीक है, तो अगर हम hyper conjugation की बात करें, CH3, CD3 एंड CT3,
ये सबसे वीक बॉन्ड है और इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसान हो नहीं होगा इस सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक होना। इफ वी कंपेयर प्लस एज इफेक्ट तो ये ऑर्डर उल्टा आता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लस एज शो करता है सी एच थ्री, देन सी डी थ्री, देन सी टी थ्री, ओके। सो दिस विल बी द ऑर्डर फॉर प्लस एच इफेक्ट, जबकि आई इफेक्ट का ऑर्डर इसका रिवर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा सी टी थ्री, फिर सी डी थ्री, और सबसे वीक होता है सी एच थ्री, ठीक है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में ऑर्डर थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। इफ वी कंपेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इन दिस पर्टिकुलर केस, इन तीनों ही में अल्फा कार्बन पर कोई एच नहीं है। यहां पर भी अल्फा एच जीरो है, यहां पर भी अल्फा एच जीरो है, और यहां पर भी अल्फा एच जीरो है। तो ऐसे केस में जब हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगता है तब हम इंडक्टिव इफेक्ट से डिसाइड करते हैं। तो तीनों में प्लस आई लगेगा, मगर प्लस आई स्ट्रॉन्गेस्ट होगा सी टी थ्री में, फिर सी डी थ्री में, फिर सी एच थ्री में। तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन में होगी वो हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर नहीं आएगी, आई इफेक्ट से आएगी, और आई इफेक्ट का ऑर्डर ये रहेगा क्योंकि यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए कि हमें कंपेयर कराया जाए इन दोनों मॉलिक्यूल्स में बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट केस में प्लस एच इफेक्ट लग रहा है और सेकंड केस में प्लस एम लग रहा है, मगर स्ट्रॉन्गर इफेक्ट इज प्लस एम और इसका इलेक्ट्रॉन डोनेशन ज्यादा होगा प्लस एच से, और सेकंड केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट केस से ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहां पर प्लस एम की वजह से द बेंजीन विल हैव मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर टू द प्लस एच इफेक्ट, ठीक है, जो लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल में। हाइपर कॉन्जुगेशन नेक्स्ट टाइप से जो हम डिस्कस कर रहे थे प्लस एच, ऐसे ही एक और तरीका है जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होता है, दैट इज माइनस एच इफेक्ट, ठीक है। बट माइनस एच इफेक्ट अगर अपन देखें सी एफ थ्री, सी सी एल थ्री, सी बी आर थ्री एंड सी आई थ्री, इन चारों में कंपेयर करें तो माइनस एच इफेक्ट केवल सी सी एल थ्री शो करता है, इसके अलावा कोई और ग्रुप माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, CCl3 अकेला ऐसा ग्रुप है जो माइनस एच इफेक्ट शो करता है और कोई ग्रुप माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता है, ठीक है। जैसे हम पहले अप्लाई कर रहे थे, ठीक है, बेंजीन लेकर के, तो हम क्या करते हैं बेंजीन पर CCl3 को लगा करके चेक करते हैं। तो इसमें अगर अपन देखें CCl3 सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है और रिवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, और अगर अपन इसमें देखें जो कार्बन एटम है जिससे तीन सीएल एसोसिएटेड है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी हो जाएगा। अब क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेगा और रेजोनेंस शो करेगा तो ये पॉजिटिव माइग्रेट करके ऑर्थो पोजिशन पर आ जाएगा। ओके, तो ऑर्थो पोजीशन से ये क्या होगा, माइग्रेट करके पैरा पर आ जाएगा। तो जो प्रेजेंस है CCl3 की, इससे हो क्या रहा है, CCl3 की प्रेजेंस है बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रही है। CCl3 डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन रिंग, लेकिन कौन सी पोजीशंस अफेक्ट हो रही हैं, ओनली ऑर्थो एंड पैरा। So, CCl3 ग्रुप इज माइनस एच ग्रुप, या इसे रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है, रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। सो रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली द इफेक्ट इन विच ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस इन बेंजीन रिंग, बट ओनली ऑर्थो पोजिशन
एंड पैरा पोजिशंस आर अफेक्टेड बट मेटा पोजिशंस आर नॉट अफेक्टेड। ठीक है, तो ये जो जितना चार्ज ऑर्थो पर आ रहा है उतना ही पैरा पर भी आएगा, मतलब दिस इफेक्ट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड प्लस एम इफेक्ट। जो चार्ज का डिलोकलाइजेशन है वो ऑर्थो और पैरा पे बराबर होगा, क्योंकि चार्ज जितना ऑर्थो पे आएगा उतना पैरा पे भी आएगा। सो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड रेजोनेंस इफेक्ट बोथ आर डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट, वाइल इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट। डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा इंडक्टिव इफेक्ट, मगर रेजोनेंस इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहां अगर अपन देख रहे थे कि CCl3 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा और इस ग्रुप को क्या कहेंगे, माइनस एच ग्रुप, बट CF3 ये इफेक्ट शो नहीं करता है, विल नॉट शो माइनस एच, इसलिए क्योंकि कार्बन और फ्लोरीन में जो बॉन्ड एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड फ्लोरीन इज वेरी हाई, और अगर इतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी इसमें रहती है तो इस बॉन्ड का टूटना डिफिकल्ट होता है, तो माइनस एच इफेक्ट ये शो नहीं कर पाता। बट अगर हम CBr3 की बात करें या Ci3 की बात करें, ये एक्सपेरिमेंटल बात है कि ये भी माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कार्बन आयोडीन या कार्बन ब्रोमीन में जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है। ठीक है, लो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस वजह से इन ग्रुप्स में इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन बीआर की तरफ या आई की तरफ नहीं हो पाता है, और इसलिए ये ग्रुप्स भी माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करते हैं। ठीक है, जब रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन सिग्मा का बीआर की तरफ या आई की तरफ होना चाहिए, दैट इज नॉट पॉसिबल इन CBr3 एंड Ci3, बट इट इज पॉसिबल ओनली इन CCl3। ठीक है, CF3 में बिकॉज ऑफ हाई बॉन्ड एनर्जी इट विल नॉट शो माइनस एच इफेक्ट। इसी बेसिस पर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया जाए CCl3, CH3, NO2 एंड OCH3, तो ये जो CCl3 ग्रुप है इट विल शो माइनस एच, CH3 विल शो प्लस एच, NO2 विल शो माइनस एम एंड OCH3 विल शो प्लस एम। तो इफ वी कंपेयर हाइपर कॉन्जुगेशन विद मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट इज अ पावरफुल इफेक्ट कंपेयर्ड टू हाइपर कॉन्जुगेशन, बिकॉज इन मीजोमेरिक इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन का जो डिलोकलाइजेशन है वो क्या होगा, पाई के थ्रू होगा, जबकि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा के थ्रू होगा, और इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि प्लस एम इफेक्ट या एम इफेक्ट ओवरऑल देखा जाए तो एच इफेक्ट से ज्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि यहां सिग्मा टूटेगा यहां पाई टूटेगा, तो पाई इज ए वीकर बॉन्ड और इसलिए एम इफेक्ट्स आर स्ट्रॉन्गर देन व्हाट एच इफेक्ट्स। एच इफेक्ट के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, एम इफेक्ट के लिए कम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है क्योंकि पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है। तो इसमें अगर अपन कंपेयर करें तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये होगा फोर्थ, इन दोनों में हम कंपेयर करें डोनेटिंग है प्लस एच सेकेंड और ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन कंपेयर द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन। इन दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करें तो यहां पर अल्फा कार्बन पर कोई एच नहीं है, मतलब यहां पर माइनस एच अप्लाई नहीं होगा, क्या अप्लाई होगा, ओनली माइनस आई, और जबकि यहां पर 9 अल्फा एच है तो माइनस एच इफेक्ट लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
ज्यादा डिक्रीज होगी इसमें, बिकॉज माइनस एच इज ए पावरफुल विदड्रॉइंग ग्रुप और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ठीक है मोर रहेगी, इसमें ज्यादा डिक्रीज कर जाएगी। लेट अस कंपेयर वेरियस ग्रुप्स, ठीक है, जो ये अप्लाई करते हैं उसके बेसिस पर हम कंपेयर करते हैं कुछ ग्रुप्स को। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ ग्रुप्स इस तरीके से कॉलम्स के फॉर्म में बनाते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि ये ग्रुप्स कौन सा इफेक्ट शो करते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन CH3, CH3 ग्रुप न प्लस एम शो कर पाएगा न माइनस एम, न लोन पेयर है न वेकेंट है, बट CH3 ग्रुप प्लस एच शो करता है, माइनस एच शो नहीं करता है। CH3 ग्रुप प्लस आई शो करता है, माइनस आई शो नहीं करता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट OH, OH ग्रुप प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो नहीं करेगा, प्लस एच या माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा क्योंकि ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किससे, कार्बन से। मगर अब ये ग्रुप प्लस एम और प्लस आई दोनों शो कर रहा है तो डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी प्लस एम, और जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो हम प्लस एम से आंसर करेंगे, ठीक है। बट प्लस एम कहां लगता है, बेंजीन में अगर आ जाए तो ऑर्थो और पैरा पर, लेकिन अगर मेटा पर आ जाएगा तो फिर हम प्लस एम से आंसर नहीं करेंगे, माइनस आई से आंसर करेंगे, ठीक है। सो इफ वी टॉक अबाउट OCH3, OCH3 इज प्लस एम, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा, और कौन सा इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन कंपेयर टू नाइट्रोजन। NH2 ग्रुप प्लस एम, नो प्लस एच माइनस एच एंड माइनस आई। OC डबल बॉन्ड OCH3 प्लस एम, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा एंड माइनस आई। इन सब में देखो आप सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में और फिफ्थ में प्लस एम और माइनस आई दोनों लग रहे हैं एंड द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी प्लस एम। ओके, लेकिन प्लस एम और माइनस आई दोनों अगर लग रहे होंगे तो हम प्लस एम से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं, तो यहां पर नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और लोन पेयर है तो ये प्लस एम शो करेगा, माइनस एम शो नहीं करेगा। दूसरी बात, प्लस एच माइनस एच होगा नहीं, इफेक्ट क्या रहेगा, माइनस आई। ओके, तो अगेन प्लस एम विल डोमिनेट, अगर दोनों लगते हैं तो प्लस एम से हम आंसर करेंगे। सी डबल बॉन्ड ग्रुप, ये ग्रुप माइनस एम शो करेगा क्योंकि एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। दूसरी बात, प्लस एच माइनस एच लगेंगे नहीं, ये माइनस आई शो करेगा, सो इट विल बी ए विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। माइनस एम और माइनस आई दोनों लगेंगे तो माइनस एम से हम आंसर करेंगे, ठीक है, इट विल बी ए विड्रॉइंग ग्रुप। सी डबल बॉन्ड हो NHCH3, तो इसमें भी माइनस एम लगेगा, एक्स वाई, वाई इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू एक्स, प्लस एच माइनस एच अप्लाई नहीं होगा, माइनस आई इफेक्ट लगेगा, प्लस आई नहीं लगेगा, ठीक है, अगेन माइनस एम विल डोमिनेट ओवर माइनस आई। CCl3 ग्रुप, ये प्लस एम और माइनस एम शो नहीं करता है, इट विल शो माइनस एच एंड माइनस आई, अगेन CCl3 विल बी माइनस आई ग्रुप, ठीक है, इट विल नॉट बी ए माइनस एच ग्रुप, इट विल बी ए माइनस आई ग्रुप, ठीक है, इट विल नॉट बी ए डोनेटिंग ग्रुप, इट विल बी ए विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस एच और माइनस आई दोनों लगेंगे तो डोमिनेटिंग होगा माइनस एच, ठीक है।
इफ वी टॉक अबाउट NO2, तो NO2 क्या शो करता है? माइनस एम, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करता है, एंड इट इज ए माइनस आई ग्रुप. तो NO2 इज अगेन ए विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम माइनस आई दोनों शो करता है, एंड द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी माइनस एम. अगर दोनों लगते हैं तो माइनस एम से आंसर करेंगे. कुछ और ग्रुप्स डिस्कस करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज एनओ. एनओ दोनों तरीके के इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम भी माइनस एम भी. ठीक है, पहले भी बात कर चुके हैं, लोन पेयर है इसलिए प्लस एम शो कर सकता है, और एक्स डबल बॉन्ड वाई, वाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, माइनस एम भी शो कर सकता है. प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा. बट अगर प्लस एम और माइनस एम दोनों एक साथ लगते हैं, ठीक है, तो हम नेट विड्रॉइंग इफेक्ट इसमें डोमिनेटिंग मानते हैं. ठीक है, तो इट इज, इट डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन. तो एनओ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, ओवरऑल इफेक्ट, प्लस एम और माइनस एम दोनों लगते हैं, ओवरऑल इफेक्ट विल बी माइनस एम. ठीक है, या विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है, डोनेटिंग इफेक्ट को. नेक्स्ट, सी ट्रिपल बॉन्ड एन. सो सी ट्रिपल बॉन्ड एन इज ए माइनस एम ग्रुप, प्लस एच और माइनस एच शो नहीं करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा, माइनस आई शो करेगा. सी एन इज अगेन ए विड्रॉइंग ग्रुप, या सी एन का विड्रॉइंग इफेक्ट डोमिनेटिंग रहता है, और माइनस एम और माइनस आई दोनों लगते हैं, तो माइनस एम विल डोमिनेट ओवर माइनस आई. नेक्स्ट वी विल फोकस ऑन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरिवेटिव ग्रुप्स. सो सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या शो करता है? माइनस एम, प्लस एच और माइनस एच शो नहीं करेगा. नेट इफेक्ट क्या रहेगा? विड्रॉइंग, माइनस आई ग्रुप भी है. ठीक है, सो माइनस आई और माइनस एम दोनों शो करता है. सी डबल बॉन्ड ओ एच क्या शो करेगा? माइनस एम, प्लस एच माइनस एच शो करेगा नहीं, माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप है. नेक्स्ट इज हेलोजन. जानते हैं आप लोग तो हेलोजन, हेलोजन ग्रुप्स क्या शो करते हैं? हेलोजन ग्रुप शो करते हैं प्लस एम और माइनस आई. तो हेलोजन्स आर एक्सेप्शंस. यहां पर प्लस एम और माइनस आई में डोमिनेटिंग इफेक्ट होता है माइनस आई. हेलोजन्स आर विड्रॉइंग ग्रुप्स. ठीक है, सारे हेलोजन्स, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, सारे ही ग्रुप्स क्या होंगे? विड्रॉइंग होंगे. सभी में प्लस एम और माइनस आई दोनों लगेंगे, बट डोनेटिंग इफेक्ट विल बी माइनस आई. ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट सल्फोनिक एसिड SO3OH, तो यहां पर भी देखिए एक्स डबल बॉन्ड वाई, तो इफेक्ट विल बी माइनस आई. प्लस एच माइनस एच शो करेगा नहीं, माइनस आई शो करेगा. सो सल्फोनिक एसिड या SO3H विल बी ए विड्रॉइंग ग्रुप, माइनस एम और माइनस आई में डोमिनेट करता है माइनस एम. सल्फोनिक एसिड माइनस आई और माइनस एम दोनों शो करता है, एंड द डोमिनेटिंग इफेक्ट विल बी माइनस एम. ठीक है, हैलोजन्स के केस को छोड़ करके बाकी सभी ग्रुप्स में एम इफेक्ट डोमिनेट करता है एच को, और एच डोमिनेट करता है आई को. तो सबसे पहले एम कंसिडर करेंगे, फिर एच, और फिर आई इफेक्ट कंसिडर करेंगे. ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं SO2H. तो SO2H में सल्फर पर लोन पेयर है, प्लस एम और माइनस एम दोनों इफेक्ट शो करता है, प्लस एच और माइनस एच का कोई मतलब नहीं है, और इसका इफेक्ट इंडक्टिव होगा विड्रॉइंग, माइनस आई इफेक्ट. तो अगेन SO3H इज ए इस तरीके का ग्रुप है जो क्या है, बेसिकली ये प्लस एम माइनस एम दोनों शो करते हैं, और ये एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं, और एडजस्टिव ग्रुप्स के केस में हम प्लस एम माइनस एम में ओवरऑल द विड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ SO2H विल डोमिनेट ओवर प्लस एम. ठीक है, डोनेटिंग इफेक्ट. अगेन CH डबल बॉन्ड NH, माइनस एम इफेक्ट,
प्लस एच माइनस एच शो करेगा नहीं, नेट इफेक्ट विल बी माइनस आई. ठीक है, तो ये माइनस एम और माइनस आई शो करते हैं और विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सी एफ थ्री, सी बी आर थ्री एंड सी आई थ्री. तो इन तीनों ही ग्रुप्स में अगर अपन बात करें सी एफ थ्री, सी बी आर थ्री, सी आई थ्री, तो माइनस एम प्लस एम नहीं लगेगा, प्लस एच माइनस एच नहीं लगेगा, माइनस आई इफेक्ट इसमें लगेगा. ठीक है, माइनस आई इफेक्ट. लेकिन अगर अपन ये ग्रुप लेते हैं तो इस ग्रुप में प्लस एम माइनस एम नहीं लगेगा, प्लस एच माइनस एच नहीं लगेगा, और क्योंकि अल्काइल ग्रुप है तो प्लस आई शो करेगा इंडक्टिव इफेक्ट. तो इसमें ना प्लस एम है ना प्लस एच है, ठीक है, सिर्फ एक ही इफेक्ट है, दैट इज प्लस आई. कुछ और ग्रुप्स हम डिस्कस करते हैं, सी डी थ्री एंड सी टी थ्री. तो ये ग्रुप्स प्लस एच और प्लस आई दोनों शो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एम इफेक्ट ये ग्रुप शो नहीं करेंगे. अगर हम बात करते हैं इस ग्रुप की, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये ग्रुप माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट दोनों इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, एन आर थ्री प्लस, सो एन आर थ्री प्लस सिर्फ माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, प्लस आई शो नहीं करेगा, प्लस एम माइनस एम शो नहीं करेगा, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा. ओनली इफेक्ट ऑफ एन आर थ्री प्लस इज प्लस आई. ऐसे और भी ग्रुप्स हैं जो सिर्फ माइनस आई शो करते हैं, एन एफ थ्री प्लस, तो ये प्लस एम शो नहीं कर सकता, लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो माइनस एम शो नहीं करेगा, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा, सो ओनली इफेक्ट विच इट विल शो इज माइनस आई. अगर हम हेलोजन्स की बात करें क्लोरीन की, तो हम बात कर रहे थे प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं, और क्लोरीन की बात अगर करें तो इसमें माइनस एम इफेक्ट भी होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, और वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है वेकेंट डी में, और इसलिए क्लोरीन ग्रुप क्या शो करेगा, माइनस एम भी, प्लस एच भी और प्लस आई भी. ये भी एडजस्टिव ग्रुप है क्लोरीन, दोनों तरीके के इफेक्ट शो कर सकता है, प्लस एम और माइनस एम. ठीक है, अगर केटायन के सामने क्लोरीन है तो प्लस एम शो करेगा, और एनायन के सामने अगर क्लोरीन है तो माइनस एम शो करेगा. ये हमने डिस्कस भी किया था, ठीक है, केस ई टाइप, लास्ट केस ऑफ रेजोनेंस, जिसमें हमने लोन पेयर और डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग कराई थी. सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, सी डबल बॉन्ड ओ आर, एस्टर्स एंड अनहाइड्राइड्स, ये शो करेंगे माइनस एम और माइनस आई, माइनस एम और माइनस आई, डोमिनेटिंग रहेगा माइनस एम. ठीक है, दोनों ही अगर एक साथ लगते हैं तो माइनस एम से हम क्वेश्चंस के आंसर करेंगे. ओके, नेक्स्ट ग्रुप हम देखते हैं ओ माइनस, फिनॉक्साइड आयन में प्रेजेंट रहेगा, तो ओ माइनस प्लस एम ग्रुप है, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करता है, प्लस आई शो करता है, क्योंकि ओ पर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर डोमिनेट करता है. इसी तरीके के और भी ग्रुप्स हैं, एन एच नेगेटिव, प्लस एम शो करेगा और प्लस आई शो करेगा. ठीक है, सी एच टू नेगेटिव, प्लस एम शो करेगा और प्लस आई शो करेगा. ठीक है, एक और ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव, सी डबल बॉन्ड ओ ओ नेगेटिव इज, ठीक है, प्लस एम और माइनस एम अगर हम देखें तो ये शो नहीं करता है,
क्योंकि ये क्या होगा, इट विल एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म, ठीक है, प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा, जो इसका इफेक्ट होगा दैट विल बी प्लस आई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर ये शो करेगा, ठीक है, बिकॉज यहां पर जो ओ नेगेटिव है ये क्या होगा, आगे की ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने की टेंडेंसी रखेगा टू डिक्रीज द चार्ज, और इसलिए ये प्लस आई ग्रुप होगा, ठीक है, प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करेगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्रुप इज एनसी, ये भी प्लस एम या माइनस एम इफेक्ट शो नहीं करता है, सी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इनसे, ठीक है, और प्लस एच माइनस एच शो नहीं करेगा, इट विल शो माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है, एनसी में रहेगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जो एडजस्टिव होते हैं, ठीक है, हमने डिस्कस किया एनओ, उसी तरीके से सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, सो इसको विनाइल ग्रुप भी कहा जाता है, एंड विनाइल ग्रुप क्या शो कर सकता है, दोनों इफेक्ट, प्लस एम बी और माइनस एम बी, ठीक है, हाइपरकंजुगेशन शो नहीं करेगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एसपी थ्री कार्बन से ज्यादा है, तो इसका इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई ही रहेगा. ओके, तो ये एडजस्टिव ग्रुप्स होते हैं, दोनों तरीके का इफेक्ट शो कर पाते हैं थ्रू रेजोनेंस, प्लस एम और माइनस एम, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई रहेगा. सिमिलरली बेंजीन रिंग और फिनाइल ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, फिनाइल, तो फिनाइल ग्रुप जो है ये भी एडजस्टिव ग्रुप है और प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट दोनों शो कर सकता है, मगर अगर इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा होगा कहीं पर तो माइनस आई होगा क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एक sp3 कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव होगा, ठीक है, माइनस आई, बट एडजस्टिव ग्रुप है, रेजोनेंस के थ्रू दोनों तरीके का बिहेवियर शो कर सकता है, प्लस एम भी और माइनस एम भी. अब हम देखते हैं जो भी ग्रुप्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं इसके बेसिस पर हम लोग स्टेबिलिटी कंपैरिजन करेंगे कार्ब केटायन फ्री रेडिकल और कार्बेनायन में. अब हम देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन का एप्लीकेशन बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ पर, बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड लेंथ पर क्या इसका एप्लीकेशन रहता है, ये हम डिस्कस करते हैं. एक बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. अगर हमारे पास एक मॉलिक्यूल है इथीन और एक मॉलिक्यूल है प्रोपीन, तो इथीन में हाइपर कॉन्जुगेशन लग नहीं सकता है, मगर प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन लग सकता है, और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से क्या होगा, सिग्मा विल कन्वर्ट इन टू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इन टू लोन पेयर, और इस तरीके का हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर इसमें बन पाएगा जिसमें जो पहले डबल बॉन्डेड था वो अब क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्डेड. अगर मैं इन दोनों बॉन्ड्स के ऑर्डर को कंपेयर करूं, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो यहां पर बीटा में डबल बॉन्ड इज पार्शियली कन्वर्टिंग इनटू सिंगल बॉन्ड, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसा है या हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर ऐसा है जिसमें डबल से सिंगल बन रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, क्योंकि अल्फा में परफेक्ट डबल बॉन्ड है जबकि बीटा में क्या हो रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है. जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और उतना ज्यादा यहां पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू डिक्रीज करेगी. बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज करेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा. अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि बॉन्ड लेंथ किसका ज्यादा है, तो अल्फा और बीटा में बॉन्ड लेंथ बीटा का ज्यादा होगा क्योंकि ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होंगे और बॉन्ड लेंथ इसका इंक्रीज कर जाएगा. इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं. तो लेट्स से दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, इसमें हम कंपेयर करें. पहले केस में यहां पर कोई एच, यहां पर कोई एच नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन इज एबसेंट. सेकेंड केस में यहां पर दो अल्फा एच है, यहां पर भी दो अल्फा एच है, तो टोटल फोर अल्फा एच हो गए. तो अल्फा एच बढ़ने से क्या होगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा, पर हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इन टू सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से हम बना सकते हैं.
और बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज्यादा रहेगी अल्फा के लिए और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा। ओके, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम। ओके, क्वेश्चन नंबर टू में यहां पर दो अल्फा एच है, दिस इज अल्फा कार्बन, टू अल्फा एच है, यहां पर अल्फा एच है सिक्स। सो बॉन्ड ऑर्डर की हम बात करें तो अल्फा का ज्यादा होगा बीटा से, क्योंकि बीटा में ज्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनेंगे जिसमें यह डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी मोर फॉर अल्फा कंपेयर टू बीटा, अकॉर्डिंग टू दैट बॉन्ड लेंथ बीटा का ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहां पर 6, 3 प्लस 3 6, 8 और 10 अल्फा एच है और यहां पर अल्फा एच है 4। तो इसमें ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिव, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ेगा और बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा अल्फा से, अकॉर्डिंग टू दैट हम बॉन्ड लेंथ डिफाइन कर लेंगे। सिमिलरली यहां अगर अपन बात करें तो यहां पर क्या है, ये बॉन्ड दोनों पाई बॉन्ड्स क्या हो रहे हैं, रेजोनेंस शो कर रहे हैं और इस रेजोनेंस की वजह से ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा। बट ये ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है और इस स्टेबल स्ट्रक्चर के बेसिस पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा, मतलब बॉन्ड ऑर्डर विल बी क्लोजर टू वन। अगर मैं इसको अल्फा लेता हूं, इसको बीटा लेता हूं, इसको गामा लेता हूं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर वन के क्लोज रहेगा। मगर यहां पर परफेक्ट डबल बॉन्ड्स हैं तो इनके बॉन्ड ऑर्डर टू के क्लोज रहेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा अल्फा का। अगर हम बीटा और गामा में कंपेयर करें, बीटा में केवल 4 अल्फा एच है, 2 यहां है 2 यहां है, और गामा में 3 और 3 6 और 8 और 10 है, तो अल्फा एच बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। ठीक है, तो गामा का और सबसे ज्यादा रहेगा बीटा का, अकॉर्डिंग टू दैट हम बॉन्ड लेंथ डिफाइन कर लेंगे। इन दोनों में अगर अपन देखें अल्फा बीटा बॉन्ड के लिए, पहले क्वेश्चन में अल्फा एच का नंबर 3 6 8 और 10 है, दूसरे में अल्फा एच का नंबर 4 है, अल्फा एच बढ़ेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, अल्फा का कम होगा बीटा से। ये एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में अगर हम देखें, पहले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस इफेक्ट लग रहा है और रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा और यहां हाइपर कॉन्जुगेशन से आएगा, मगर रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल, और अगर मोर पावरफुल है तो इसका इस डायरेक्शन में जाना ज्यादा फेवरेबल है और इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना लेस फेवरेबल है। तो यहां पर क्या होगा, डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, यहां पर डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड में, इस डबल बॉन्ड की सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी उतनी नहीं होगी, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कम आएगी अल्फा के लिए कंपेयर टू बीटा। ध्यान रखें हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस अगर दोनों साथ में लग रहे हैं तो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर पावरफुल, और उसी के बेसिस पर हम आंसर डिफाइन करते हैं। तो रेजोनेंस के बेसिस पर यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, मगर डोमिनेटिंग इफेक्ट होगा रेजोनेंस, मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, एंड बिकॉज ऑफ मोर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बॉन्ड ऑर्डर विल बी लोअर फॉर अल्फा कंपेयर टू बीटा। ओके, तो हम कंपेयर करते हैं। अल्फा को, बीटा को और गामा को। ओके, तो हम बॉन्ड ऑर्डर की बात अगर करें
तो यहां पर बीटा का सबसे ज्यादा होगा, ना रेजोनेंस इफेक्ट ना हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा और गामा में, अल्फा में रेजोनेंस इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट से डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड, वाइल इन गामा बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट टू सिंगल बॉन्ड। तो यहां पर गामा का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा रहेगा और क्योंकि ये रेजोनेंस इफेक्ट इज पावरफुल इफेक्ट, तो इस डबल के सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा रहेगी कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। इसका हम आरएस भी बना सकते हैं इस तरह से, सो दिस डबल बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू सिंगल बॉन्ड। उल्टा इफेक्ट भी हम सोच सकते हैं, जैसे अगर आपसे पूछा जाए दो बॉन्ड से हमारे पास ये अल्फा और ये बीटा, बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? ठीक है, अगर अपन इसमें कंपेयर करें, ठीक है एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर सी एच अल्फा और यहां पर सी एच लेट से बीटा, इन दोनों में से किसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी? यहां पर इस सिग्मा की पाई में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है और जहां पर सिग्मा की पाई में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं है, तो ये बॉन्ड काफी वीक होगा और बीटा जो होगा वो काफी स्ट्रांग होगा। बॉन्ड एनर्जी बीटा की ज्यादा होगी किससे? अल्फा से। ऐसे ही अगर बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा होगा और बॉन्ड लेंथ अल्फा की ज्यादा होगी, ठीक है, बीटा से। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर तीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से लेट से अल्फा, लेट से बीटा, लेट से गामा। तो अल्फा में इफ वी कंपेयर द बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा रहेगा गामा का, बिकॉज यहां पर अल्फा एच एब्सेंट है, यहां पर भी एब्सेंट है, तो ना रेजोनेंस होगा ना हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन गामा में कोई रेजोनेंस या हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, मगर अल्फा में है और अल्फा में रेजोनेंस है और रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी अल्फा की सबसे ज्यादा होगी और सिंगल बॉन्ड में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए मतलब डबल से सिंगल में जा रहा है बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, बीच में रहेगा बीटा का। और बॉन्ड ऑर्डर के बेसिस पर हम बॉन्ड लेंथ समझा सकते हैं। यहां पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, परफेक्ट डबल बॉन्ड। यहां पर अल्फा और बीटा में पार्शियल डबल बॉन्ड, मगर यहां जो पार्शियल मतलब जो डबल बॉन्ड है उसकी सिंगल में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कर जाएगा अल्फा का। और बीटा में बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डबल से सिंगल में जा रहा है, वीकर इफेक्ट है, तो बॉन्ड ऑर्डर बीटा का ज्यादा रहेगा। ओके, तो एक लास्ट कॉन्सेप्ट हम इसमें डिस्कस करते हैं, ब्रेट्स रूल। एक जर्मन स्कॉलर था ब्रेट्स, उसने रूल दिया था। अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल sp2 एटम्स के नॉट बी अकोमोडेटेड एट ब्रिज हेड पोजिशन। अकॉर्डिंग टू ब्रेट्स रूल sp2 एटम्स, और हम क्योंकि कार्बन की बात कर रहे हैं तो sp2 कार्बन एटम्स के नॉट बी अकोमोडेटेड एट ब्रिज हेड पोजिशन। सबसे पहले तो हम डिस्कस करें कि ब्रिज हेड क्या है। इस मॉलिक्यूल की अगर अपन बात करें, ये एक बाईसाइक्लो कंपाउंड है और इस बाईसाइक्लो कंपाउंड में ये ब्रिज हेड पोजीशन है। अब इन तीनों बॉन्ड्स की हम बात करें, ये तीनों कभी भी एक साथ एक प्लेन में आ नहीं सकते, अलग अलग प्लेन में रहेंगे, ठीक है। मतलब ये क्या है, पिरामिडल शेप बना रहे हैं तीनों बॉन्ड्स। अब अगर हम यहां बोले केटायन, तो केटायन होता है sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर, तो ये तीनों बॉन्ड्स को एक प्लेन में आना होगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसको हम कहते हैं ब्रिज हेड पोजीशन, और ब्रिज हेड पोजीशन पर क्या पॉसिबल नहीं है, sp2 कार्बन पॉसिबल नहीं है। तो कार्बोकेटायन कभी भी ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं बन सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात है, इस क्वेश्चन में अगर अपन देखें, ये भी क्या है, ब्रिज हेड पोजीशन है, ये तीनों बॉन्ड्स एक साथ एक प्लेन में नहीं आ सकते, तो यहां पर भी कार्बोकेटायन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। बट अगर हम इस तरह के क्वेश्चन की बात करें, तो ये ब्रिज हेड पोजीशन नहीं है, क्योंकि ये तीनों बॉन्ड्स एक साथ एक प्लेन में आ सकते हैं, कोई स्ट्रेन नहीं है इनमें, ठीक है। और अगर ये आ सकते हैं तो ये कार्बोकेटायन एग्जिस्ट कर सकता है,
बट एक बात, अगर जो रिंग है वो 8 कार्बन की या उससे ज्यादा की है तो ऐसे केस में प्लेनर बन सकता है, और 8 या उससे ज्यादा कार्बन की रिंग्स में ब्रेट्स रूल हम अप्लाई नहीं करते हैं। तो 8 या उससे ज्यादा की रिंग में ब्रिजहेड पोजीशन पर भी कार्बोकेटायन बन सकता है, ठीक है, या sp2 कार्बन आ सकता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ओके, तो फर्स्ट में देखें, ये कार्बोकेटायन एग्जिस्ट कर सकता है, ये कार्बोकेटायन भी एग्जिस्ट कर सकता है, मगर ये कार्बोकेटायन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप इसका देखो स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा ये, और ये ब्रिजहेड पोजीशन पर आ रहा है, दीज टू आर सेम, और ब्रिजहेड पोजीशन पर आ रहा है तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं होगी, पॉसिबल नहीं हो पाएगा ये कार्बोकेटायन, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, ये कार्बोकेटायन पॉसिबल है क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात कर सकते हैं अल्कीन की। मान लीजिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया जाए, तो ये कार्बन sp2 है, क्या ये तीनों बॉन्ड्स सेम प्लेन में आ सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। ये अल्कीन तो तब बन सकता है जब प्लेनर हो, इस तरीके का स्ट्रक्चर हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन गेन कर ही नहीं पाएगा, और इस तरीके का अल्कीन का बनना पॉसिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टॉक अबाउट दिस मॉलिक्यूल, तो यहां पर भी अल्कीन का बनना पॉसिबल नहीं है, यहां पर भी अल्कीन का बनना पॉसिबल नहीं है। यहां पर अल्कीन का बनना पॉसिबल है क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर अल्कीन नहीं है, ठीक है। ये अल्कीन एग्जिस्ट कर सकता है, ये भी ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं है। ओके, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन पर नहीं है। ओके, तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया प्लस एच और माइनस एच इफेक्ट, और इसके बेसिस पर प्लस एम माइनस एम और प्लस आई माइनस आई कंपेयर करते हुए हमने बेंजीन में या एरोमेटिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेयर किया। फिर हमने डिस्कस किया एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ऑन बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड ऑर्डर। तो रेजोनेंस इफेक्ट विच इज मोर पावरफुल, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्गर इफेक्ट लगाएगा और बॉन्ड ऑर्डर को ज्यादा चेंज कर पाएगा कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। हम लोगों ने सारे ग्रुप्स भी डिस्कस किए, मैक्सिमम ग्रुप्स हमने कवर किए, और उनका कौन सा इफेक्ट लगता है और क्या डोमिनेट करता है हमने डिस्कस किया। एट द एंड हमने डिस्कस किया ब्रेट्स रूल, और ब्रेट्स रूल इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको मिल सकते हैं, जिसमें कोई कंपाउंड ऐसा दे दें जिसमें ब्रेट्स रूल लग रहा हो और वो केटायन या एल्कीन स्टेबल नहीं हो, और आपसे बोल दे विच ऑफ द फॉलोइंग केटायन और एल्कीन इज नॉट स्टेबल और डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, तो उसमें आपको ब्रेट्स रूल अप्लाई करना है। आने वाले चैप्टर्स में विल डिस्कस अगेन अबाउट द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ कार्ब केटायन, कार्बेनायन एंड फ्री रेडिकल। इंडक्टिव इफेक्ट में भी हम पढ़ चुके हैं, बट जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तब हमने और कोई इफेक्ट पढ़ा ही नहीं था, तो अप्लाई भी नहीं किया, और जो भी क्वेश्चंस मैंने दिए थे वो सब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व किए। आने वाले लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ केटायन, एनायन एंड रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ ऑल द इफेक्ट्स, प्लस एम माइनस एम, प्लस एच माइनस एच एंड प्लस आई माइनस आई। हम ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, अब हमको पता है कि कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट लगाएगा, और हम ये भी जानते हैं कि बेंजीन में अगर ये इफेक्ट लगेंगे तो प्लस एम और प्लस एच, माइनस एम और माइनस एच केवल ऑर्थोपेरा पर लगेंगे, लेकिन मेटा पर सारे इफेक्ट अप्लाई नहीं होते हैं, सिर्फ प्लस आई और माइनस आई अप्लाई होते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।